हेलो प्यारे बच्चों, तो देखिए एक्सरसाइज 6.4 का अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब एक पीटी ड्रिल में उनको इस तरह से खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब देखिए नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी उतने ही हमारे कॉलम भी होने चाहिए। तो क्वेश्चन में यहाँ ये कहा गया कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर इस तरह से 500 बच्चों को यहाँ पे पीटी ड्रिल में खड़े किए जाएं तो इस अरेंजमेंट में कितने बच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले क्वेश्चन की तरह ही, लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी एक्स, ठीक है। रोज को और कॉलम को दोनों को ही हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, वो हमने मान लिए बी एक्स, ठीक है। ये कॉलम्स है, ये कॉलम लिखा हुआ, ठीक है। अब रो को और कॉलम को दोनों को हमने मान लिया एक्स। अब जितने बच्चे रोज में होंगे उतने बच्चे कॉलम में होंगे, तो टोटल बच्चे आने चाहिए हमारे पास 500। अब देखते हैं कितने बच्चे नहीं आते। तो देखिए क्या करते हैं, एक्स बच्चे हमारे रोज में हैं और एक्स बच्चे ही कॉलम में हैं, तो रो और कॉलम को दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आना चाहिए, आना चाहिए 500। तो देखते हैं, देखो इक्वल टू हमने लिख दिया 500, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 500। अब हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो एक्स इक्वल टू रूट में 500, ठीक है। एक तरफ से हम स्क्वायर होता है उसको हटा के दूसरी तरफ रूट लगाते हैं, यानी कि अब हमें 500 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो देखो हम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। लिख दिया यहाँ पे, लास्ट चीज हमने पेयर बना लिए, तो एक पेयर ये बन गया, एक यहाँ पे 5 अनपेयर्ड रह गया। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ कौन सा नंबर एक लिखें कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 5 आए या इससे थोड़ा सा कम आए, तो 2 ले लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, माइनस कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। अब नेक्स्ट पेयर उतारते हैं, ठीक है, 0 0 उतार लिए, और जो ऊपर लिखा था 2 इसके नीचे लिख देंगे, तो 2 प्लस 2, ठीक है, यहाँ लिख करके प्लस करना होता है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं। 4 के आगे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है कि फिर ये 2 डिजिट जो नंबर बन जाएगा उसको इस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यहाँ डिजिट लिखेंगे उससे, और कितना आना चाहिए 100 आए या इससे थोड़ा सा कम आए। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो बन जाएगा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए 84, इससे कम होगा। 3 लिखता हूँ तो 43 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे हम 2 ही रहने देते हैं। 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है। रिमाइंडर हमारा बचता है यहाँ पर 16, ठीक है। तो ये जो 500 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, अब देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं क्योंकि रोज में और कॉलम्स में बच्चे बराबर खड़े होंगे, तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 500 स्क्वायर नहीं है, 500 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 16 बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था ना हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, तो 16 चिल्ड्रन, क्या आंसर है इसका आएगा, 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। 16 बच्चे जब यहाँ से घटा देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितने का बनेगा, ये बन जाएगा 22 का। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 500 में से 16 को घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 484, और 484 किसका स्क्वायर होता है, तो 484 होता है हमारा जो ऊपर लिखा था ना ये 22, इसका ही स्क्वायर। अब अगर इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं, देयर फोर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने होंगे, रोज एंड कॉलम्स इक्वल टू कितने 22, ठीक है। तो कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, तो आंसर है हमारा 16 चिल्ड्रन। कितने रोज एंड कॉलम होंगे, तो 22 ही रो होंगे, 22 ही कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया और ये चैप्टर भी हमारा फाइनली ख़त्म हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।